कृष्णा, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूँ पावनी रावत। और आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की तो सबकी छुट्टियां हैं, मेरी भी छुट्टियां, आप लोगों की भी छुट्टियां होंगी। और छोटी दिवाली अभी चल रहा है, घर की पूरी साफ सफाई, मम्मी झाड़ू मार रही है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बस मैं ये फोन लेके बैठ रखी हूँ कि वीडियो बनाने के लिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी और उन्होंने क्या क्या किया है। गाई, सबसे पहले तो मम्मी ने इनमें फूल लगाए, कोई नए, जो कि मुझे पता नहीं चल रहा कौन से नए फूल है, बट कुछ तो अच्छे तभी फूल है, वरना फूल तो होते ही नहीं है। हाँ, समझ गई मैं। गाइस ये देखो, नए फूल लगा रखे हैं क्योंकि पुराने गमलों में फूल नहीं थे। और यहाँ पे भी कुछ कर रखा है। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे घर पे। और आज मम्मी ने ये वाला जो सेक्शन है ना, ये उधर रहता था हमेशा, यहाँ रख दिया ताकि इनमें धूप लगे, ताकि और अच्छे से बड़े हुए। और अभी फिलहाल देखो, बस वहाँ पे माला लगी है, दिख भी रहा है? हाँ, वहाँ पे माला लगी है एक, और यहाँ पे माला लगी है, और ये दो चार माला यहाँ पड़ रखी है। और मेरा भाई क्या कर रहा है वे? ओए, और ये दुकान में ये देख रहा है पटाखे बेच रहे हो, खुद मत फोड़ दियो। गाइज, मैं अगर आपको अंदर का हाल दिखाऊं ना, तो अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सारा ऐसा तितरा बितरा पड़ा है। हमारा कमरा तो भाई इतने महीनों से खराब पड़ रखा ना, यहाँ देखो, छी 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 छी। तो इसे आज मैं बिल्कुल सही करने वाली हूँ। सारे कपड़े बहुत बहुत गंदगी हो रही है, यहाँ देखना जरा, बेड उठाते हैं तो फिर सारा खराब हो जाता है। तो फिर आज पूरा कमरा का आपको बिल्कुल नया होकर मिलेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं है वही पुराना कमरा है जहाँ हम रहते थे। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, स्कूल के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर दादी सोमा सबके अलाना फलाना के सबके कपड़े हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आज हम इसे साफ करने वाले हैं। कंबल भी देखो, इतने सारे तो कंबल ही हैं, तो इनसे भी सही करते हैं फिर। और दादी अभी जा रखी है नहाने। एक ही कमरा है गाइस जो साफ है, वो है हमारा पूजा घर, जो कि बिल्कुल एकदम प्रिटी माता रानी एंड प्रिटी यहाँ का बिल्कुल माहौल सा है। बस यही है जो अच्छा लगता है ना। पहले मैं करती हूँ अपना कमरा साफ और फिर देखते हैं क्या करेंगे आगे। पहले तो इतना बड़ा काम जो है अपना कमरा साफ करना, वो ही हो जाए, वही सबसे बड़ी काम होगा मेरा। उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी, तो देखते हैं फिर करते हैं अपना काम शुरू। गाइस, काम करने से पहले मम्मी की डिमांड आ गई कि चाय बनाओ, तो पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद मैं काम करती हूँ अपना। और आज तो हमारे घर पे चाय पे कोई आ भी रहा है, मैंने किसी को इनवाइट किया था कि चाय पीने आना मेरे घर पे, मैं आपको अच्छी अच्छी बिल्कुल मसाले वाली चाय पिला के दूंगी। तो वो कौन आ रहा है, वो आपको बाद में बताते हैं फिर। 2000 years later. गाइस, सारा काम हो चुका और मैं इतनी थक गई हूँ ना भाई, मतलब इतना तो मैंने कुछ करा है, पर बहुत ज्यादा थक लग गई है, मन करा सो जाऊं बस अब। पर अभी नहाना वाना भी है, और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। 8-9 बजे से अब 11 बज गए हैं। आपको अपना काम दिखाती हूँ कि मैंने क्या काम किया है। गाइस देखिए, मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया, और ये तो कपड़े मतलब ऐसी हैं, अलमारी साफ करी थी ना, तो उसमें से ये कपड़े रखने हैं शायद अब गर्मियों के नहीं है, तो इन्हें देखते हैं मम्मी देखेंगी। और अलमारी दिखाती हूँ आपको, इतनी गंदी हो रखी थी ना पहले अलमारी में ना, बिल्कुल जगह नहीं लग रही थी, पर अब हो ही गई है जगह। ये देखो, सारे कपड़े रख दिए, नीचे भी हो गई है लगभग जगह, बस ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं, नहाते हैं। अब करूँगी मैं अपना नाश्ता, और नाश्ते में दिवाली का दिन है, कुछ अच्छा होना चाहिए था, पर हमारे घर पे हरी सब्जी बन रखी है, और मैं तो कल की सब्जी खाऊंगी क्योंकि कल मैंने खाया नहीं था। तो आपको बाद में मिलते हैं, नहा धो के अच्छे से साफ सुथरी मिलूंगी मैं। A few inches later. तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ, और 2 बज चुके हैं, मतलब मैं 2 बजे नहीं आई हूँ नहा के, बट नहा उसके मतलब नहा मैं बहुत पहले गई थी, बट अभी मैंने क्या फ़ोन उठाया वीडियो बनाने के लिए, तो मैं नहा गई हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मम्मी ने क्या क्या फूल वूल लगाए हैं, जैसे कि आपको पीछे दिख रहे होंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे बाल देखो कितने कर्ली से लग रहे ना, प्यारे से। कल मैं आपको दिखाती हूँ ये जो लक्ष्मी माता के मम्मी ने पैर लगाए हैं, ये देखो, वहां तक चलते चलते आगे तक चलते चलते लगा रखे हैं बस ये।
गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारे घर पे आने वाला है कोई चाय पीने, मतलब आने वाला है कोई, बस तो वो आने वाला होगा, पता नहीं कब आएगा। तो फिर पहले तो हो जाते तैयार, क्योंकि आज है दिवाली, तो अच्छा लगता है ना जब आप नए नए कपड़े पहनते हो, मतलब ऐसे अच्छे से कपड़े पहनते हो, फिर ऐसा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और सबको पहनने चाहिए। दिवाली के दिन है, खुशियों का त्यौहार वाला दिन है, तो कपड़े तो पहनने ही चाहिए। अब वैसे भी मैं ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही ऐसा नए कपड़े पहन के रखती हूँ, तो दिवाली के दिन तो बनता है नए कपड़े पहनना, तो फिर इसे पहले पहन लेते हैं फिर आपको मिलती हूँ। और अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, सो देखते हैं खाना खाएंगे कि उस बंदे के साथ चाय पियेंगे सीधा, चाय डेट। तो गाइस, जिसका मैं सुबह से आपको बोल रही थी ना कि चाय पे आने वाला है, कोई चाय पे आने वाला है, तो उसे बुलाती हूँ। ये देखो Hello. ये रही मेरी आज की चाय पे आने वाली तो इनका आप स्वागत करते हैं घर पे। तो गाइस, जो मेरी दोस्त आई है ना, मैंने कहा था ना कि चाय पिलाऊंगी, तो चाय पिलाने से पहले सोचा थोड़ा काम भी करा लेती हूँ तो इसलिए अभी मैं अपनी दोस्त से लगवाऊंगी मेहंदी, क्योंकि बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। जो मैंने आपको करवा चौथ पे अपनी दिखाई थी ना, वो तो ऐसी थी सेकंड हैंड, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी वाली वैष्णवी लगाएगी मेरे हाथ पे, फिर वो आपको दिखाते हैं, तब तक आप देखते रहे। अभी फिलहाल वैष्णवी ढूंढ रही है सारे डिजाइंस, कौन सा डिजाइन मेरे हाथों पे लगेगा, इन हाथों पे आज कोई अच्छा कलाकार मेहंदी लगाने वाला है। A few inches later. ये देखिए, वैष्णवी ने मेरी मेहंदी लगाई है ये एक ही हाथ लगाया, ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहती थी मैं वैष्णवी को। अच्छे से दिखाओ, आपने लगाई और गाइस मेहंदी तो अब वैष्णवी ने लगा दी, तो अब हम खा रहे हैं थोड़े कुरकुरे चाय बनाने का टाइम अभी आने वाले है। और ये देखो, चाय पे वैष्णवी को बुलाया और खुद हाथों में मेहंदी लगा दी, तो चाय ना बना पाऊ तो आज वैष्णवी आपको मैं चाय बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? आज मैं सारी बताऊंगी और आप बनाओगे चाय। वैष्णवी सोच रही होगी अपने घर बुला के खुद ही काम करवा रहे मुझसे ऐसा तो नहीं सोच रहे? तब ठीक है। अब हमने चिप्स विप्स तो सब खा लिया, अब बारी है वैष्णवी की चाय बनाने की। आज वैष्णवी चाय बनाने वाली है, और क्योंकि मेरे हाथों में लगी है मेहंदी तो चलो वैष्णवी किचन में प्रस्थान लो। इस वैष्णवी यहाँ पे पानी रख दिया अब आपको वो बोलो वो हाँ। आंटी, अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो, मैं आपकी बेटी को तैयार कर रही हूँ चाय बनाने के लिए। अब वैष्णवी और गाइस, हमने मतलब वैष्णवी ने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया, तेल भी रख दिया, अब कचरियाँ तल रहे हैं। और आंटी वो क्या बोलते हैं, ऐसा मैं सोचते कि आपकी बेटी से काम कर मैं मम्मी तो होने जा रही हूँ, पर वैष्णवी रोक रही है मुझे। वैष्णवी बहुत काम करने के मूड में आज, बैक टू वर्क है। ऐसे ऐसे गाइस, मैंने मेहंदी हटा लिया, क्योंकि वो एक एक असली शेफ को उसके काम करना पड़ेगा, तो मैंने मेहंदी हटा दिया। अब मैं कचरिया तल रही हूँ, मेरे हाथ में आ रहे हैं तेल फेंकर उड़ उड़ के। आप लोग आ सकते हैं कचरिया खाने के लिए हमारे घर दिवाली में। गाइज, हम दोनों ने चाय बना दी है मिलजुल के, और कचरिया भी बनाई है, तो अब बस हम चाय पीते हैं, कचरिया खाते हैं, क्योंकि वैष्णवी का टाइम जल्दी होने वाला है कंप्लीट, तो बस अब हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। ये देखते हैं चाय, वैष्णवी क्या तैयार हो अब देखने के लिए कि आपने कैसी बनाई है। आधी आपने भी बनाई है वैसे, है ना? तो फिर हम देख के बताते आपको। तो गाइज, मेरी दोस्त का जाने का समय आ चुका है, बहुत अच्छा लगा मुझे वैष्णवी आई, वैष्णवी ने चाय खुद बनाई और हमने पी और कचरी खाई, तो फिर अब वैष्णवी जा रही है, उसको बाय बाय करते हैं, और आप लोग भी उसे बाय बाय करना। अभी जूते पहन रही है वैष्णवी। मैं ना अपने घर पहुंच गई थी और चश्मा लाने भूल गई। यार वैष्णवी कैसे हर काम करते हैं यार। कहाँ तक पहुंच गए थे? थोड़ी जागी थी मैं। ठीक यार, चलो तब बाय बाय बाय। तो गाइस, वैष्णवी चली गई है, और मैंने बाकियों को चाय भी दे दी है, सबको, पापा सोमा दादी सबको चाय दे दी है। और वैष्णवी पता नहीं घर पे पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी, बट वैष्णवी ने मेरी इतनी सुंदर, अरे कैसे पकड़ो कैमरा, वैष्णवी ने मेरी इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है ना, देखो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही अच्छी वाली मेहंदी लगाई है। कैमरा हिल रहा है क्योंकि पता नहीं पकड़ना नहीं आ रहा मैं सही से। गाइस, और आप लोगों को ये दिवाली की डेकोरेशन कैसी लगी हमारी, ये यहाँ पे भी है और इधर भी है, उधर उधर हर जगह आएंगे। दिवाली की डेकोरेशंस कैसी लगी जरूर बताइएगा। पता नहीं मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना ये और मेरी मेहंदी। तो गाइस, जब मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा क्या करूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वैष्णवी ने अपनी आर्ट
आर्ट दिखाई है, मेरे हाथ में मेहंदी लगाई है, क्यों ना मैं भी लगाऊं अपने हाथ में मेहंदी खुद। तो मैं बस उस समय से बैठ के अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तो दो साथ में है? अच्छा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाई। उतनी अच्छी तो नहीं लगाई क्योंकि मुझे उतनी अच्छी लगानी आती नहीं है, बट पहले कैमरा दिखा दी, फिर बोल रही दिखाती हूँ। तो मतलब अभी तो वैसे दिख रही है ना, उनका अच्छी तो थोड़ा दिख रही होगी। और हाँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह इस प्रकार मैंने अपने हाथ खराब करे हैं। मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं आती और मैंने पीछे भी लगाई है। कोई अपने हाथ सड़ाना मुझसे सीखे, सर्कल भी सही से नहीं बने। अब बस दोनों हाथों में लगा दिए, मतलब आगे पीछे दोनों लगा दिए मैंने, दोनों हाथों में लगा दिया और धीरे धीरे तो सीख ही जाऊंगी। गाइस, तो मेहंदी मैंने धो लिया है, मैंने धो लिया और अब मैं ना आटा गूंदने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने कहा कि आटा गूंदे। तो फिर आटा गूंदे और सर में दर्द होने लग गया। अब तो मैं आप लोगों को बस अपने हाथ ही दिखाऊंगी ऐसे करके। तो गाइस, हमारा सब कुछ काम हो चुका है, खाना पीना तो मेरा मन था ही नहीं। दिवाली नहीं थी ना छोटी, तो इसलिए दूसरों ने हमें पकौड़ियाँ दी थी, तो वो खा खा के पेट पूरा भर चुका था, तो इसलिए खाना तो खाया नहीं है। और अभी ना 11 बजने वाले हैं शायद, हाँ 11 बज चुके हैं। अभी व्लॉग को एंड कर रही हूँ, फिर बड़ी दिवाली पे मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल। धन्यवाद, शुभरात्रि, राधे राधे और छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, पटाखे आराम से फोड़ना, ठीक है, ये नहीं कि हाथ वाथ जला दिया, आराम से बिल्कुल सावधानी के साथ दिवाली मनाना। आज तो मैंने कोई पटाखे नहीं फोड़े, कल आपको दिखाऊंगी पटाखे फोड़ूंगी, मतलब फिर आपको दिखाऊंगी, रंगोली बनाऊंगी कल बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं।